कुछ समय पहले जब अमेरिका में हार्वे तूफान और बाढ़ आई तो अपने साथ तबाही भी लाई। इससे सिर्फ ह्यूस्टन में अरबों का नुकसान हुआ बल्कि हजारों लोग बेघर भी हो गए। पर इसी संकट ने कई हीरो भी पैदा किए जिन्होंने बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की। डेनियला पामर भी उनमें से एक हैं। उन्होंने पीड़ित नवजातों को 30 लीटर ब्रेस्ट मिल्क डोनेट किया। ओवन सविले में रहने वाली पॉलमर 3 बच्चों की माँ हैं। वे कहती हैं, जब तूफान आया तब मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना खतरनाक हो सकता है, लेकिन ह्यूस्टन बाढ़ में डूब गया और हजारों लोग बेघर हो गए। मुझे बाढ़ पीड़ितों की चिंता होने लगी। माँ होने के नाते मुझे नवजात बच्चों और माओं की ज्यादा फिक्र थी। मैं उनकी मदद करना चाहती थी पर मैं ह्यूस्टन से 1300 किमी दूर थी। इसके बावजूद मैं आसपास के लोगों से चर्चा कर रही थी कि पीड़ितों की मदद कैसे की जाए। ऐसी ही चर्चा में बेटे के ट्यूटर ने मुझे ब्रेस्ट मिल्क डोनेट करने का सुझाव दिया। मुझे उनका आइडिया पसंद आया। इसकी दो वजह थी। पहली, मेरा 3 माह का बेटा दिल से जुड़ी बीमारी के कारण ब्रेस्ट मिल्क कम पीता है। उसे IV के जरिए थोड़ा सा दूध और अन्य पोषक आहार दिया जाता है। इस कारण मुझे ब्रेस्ट मिल्क पंप करना पड़ता है जिसे मैं फ्रीज कर लेती हूँ। डोनेशन की दूसरी वजह यह थी कि ऐसा करके मैं सीधे नवजात बच्चों की मदद कर सकती थी। ब्रेस्ट फीडिंग ममा टॉक ने फेसबुक पेज पर पायमर के डोनेशन का जिक्र किया है। एक यूजर ने इस पर कमेंट किया, मुझे इस महिला पर गर्व है जिसने बेटे की बीमारी के बावजूद खुद को मजबूत रखा। उसने बच्चे के लिए वह चीज डोनेट की जो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। एक अन्य यूजर ने लिखा, हमें संकट में एक दूसरे के साथ की जरूरत होती है। हमें खाने से लेकर रहने तक के लिए मदद मिल जाती है पर बच्चों के लिए दूध सबसे मुश्किल से मिलता है। पॉमर का शुक्रिया जिन्होंने जाने कितने बच्चों की मदद की। पॉमर ने कहा, मैंने करीब 30.756 लीटर ब्रेस्ट मिल्क डोनेट किया। आमतौर पर एक बच्चा 3 आउंस यानी करीब 90 मिलीलीटर दूध पीता है। यानी मैंने जो डोनेट किया उससे नवजात बच्चे करीब 346 बार दूध पी सकते हैं। यह सोचकर काफी संतुष्टि मिलती है कि मैं उन मासूमों की मदद कर पाई जिन्हें फ्रिज ब्रेस्ट मिल्क की जरूरत थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।